करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्या कहता है, कहता है कि टू आइडेंटिकल बुलेट्स, बच्चों ध्यान दें, टू आइडेंटिकल बुलेट्स, एक जैसी बुलेट्स हैं, एक जैसी अगर बुलेट है तो भाई सीधी सी बात है, अगर पहली बुलेट 10 ग्राम की है तो दूसरी भी 10 ग्राम की होगी, यानी कि दोनों का मास क्या है, सेम है, दोनों का मास सेम है। तो सपोज यहां पे देखिए सॉल्यूशन हमने किया और ठीक है अभी हमने आपको बता दिया दोनों बुलेट्स का मास सेम है। कह रहा आर फायर्ड वन बाय अ लाइट राइफल एंड अनदर बाय अ हैवी राइफल, राइफल समझते हैं ना बंदूक, ठीक है। तो एक बुलेट को हमने हल्की राइफल थी कंधे पे रखा है ऐसा राइफल और हल्की राइफल है, मतलब एक राइफल का मास कम है, राइफल बंदूक बंदूक का मास कम है लेकिन बुलेट उसमें वही है, बुलेट आइडेंटिकल है, जो बुलेट हल्की वाली राइफल में डाली जाएगी और वही भारी वाली में भी डाली जाएगी, ठीक है। तो एक बार हमने हल्की राइफल में रख के शूट किया, ठीक, फिर हमने सेम बुलेट आइडेंटिकल बुलेट ये वैसे ही बुलेट उतने ही मास की बुलेट एक हैवी राइफल में रख के शूट किया, देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कह रहा है कि टू आइडेंटिकल बुलेट्स आर फायर्ड वन बाय अ लाइट राइफल एंड अनदर बाय अ हैवी राइफल विद द सेम फोर्स, फोकस करें प्लीज, विद द सेम फोर्स, पता है बहुत बड़ी बात कर दी है इसने, विद द सेम फोर्स, इसने जो बोला ना आपको, देखिए बात समझिए, सेम फोर्स आप लगा रहे हो किस पे, आइडेंटिकल बुलेट पे, भाई आपका राइफल में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है ना, जैसे ही आप उसका ट्रिगर दबाते हो तो बुलेट पे एक तरीके का फोर्स लगता है तो बुलेट आगे जाती है, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है क्लास में, जब हमने पढ़ाया है कि गन भी पीछे झटका मारती है और गन जितनी वेलोसिटी से पीछे जाती है उसको हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, याद है आपको, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात ये है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये दो बुलेट हैं आपके सामने, ठीक है, ये आइडेंटिकल बुलेट है और बुलेट का हमने आपको सपोज कलर दिखा दिया, एक ब्लू है और एक ब्लैक है बट आइडेंटिकल है। अब सुनो, अगर आप इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा दें अभी आगे और इस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा दें, बच्चों लगाइए, सोचिए, इमेजिन करिए, अगर आप इस पे भी 5 लगा दें, इस पे भी 5 लगा दें, डजंट मैटर कि फोर्स कौन लगा रहा है, मतलब समझो यहाँ पे एक पतला बच्चा है, खूब पतला सा बेचारा बच्चा है, सूखा सा, वो आता है पर 5 न्यूटन लगा देता है, और यहाँ पर एक मोटा ताजा बच्चा आता है लेकिन 5 न्यूटन ही लगाता है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, ध्यान दें, दोनों बुलेट सेम वेलोसिटी से चलेगी, दोनों पे फोर्स क्या लगा हुआ है, सेम। आपको पता है कि फोर्स रुके हुए मास को वेलोसिटी दे सकता है, तो जब दोनों बुलेट को सेम फोर्स से फेंका गया है, ठीक है, डजंट मैटर कि राइफल आपकी हल्की है कि भारी है, तो दोनों बुलेट जो आगे की दिशा में जाएंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, इनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों के लिए जो एयर रेजिस्टेंस भी होगा वो लगभग सेम होगा, क्योंकि एक ही एटमॉस्फेयर में इसको फेंका जा रहा है, फेंका का मतलब धक्का दिया जा रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी, मतलब जो बुलेट दोनों निकलेंगी चाहे हल्की राइफल से चाहे भारी राइफल से, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो एक तो बच्चों जो मुझे बात समझ में आई है वो मैं कहीं पे नोट कर लेता हूँ फटाफट, क्या कि आफ्टर फायरिंग जब फायरिंग हमने कर दी तो वेलोसिटीज ऑफ बोथ बुलेट विल बी सेम। एक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, पता है क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, कहता है कि विच राइफल विल हर्ट द शोल्डर मोर एंड वाई, बच्चों ध्यान समझिए, कह रहा है कि हल्की बंदूक पीछे ज्यादा तेजी से शोल्डर पे हमारे चोट लगाएगी या भारी बंदूक, चोट लगाने का क्या मतलब है समझिए जरा, देखिए भाई सीधी सी बात है, जो राइफल बहुत ज्यादा रिकॉइल वेलोसिटी से पीछे आएगी, रिकॉइल वेलोसिटी क्या है, मतलब जितनी वेलोसिटी से गन झटका मारती है उसको आप रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हो, ठीक है, तो जो भी गन चाहे हैवी गन चाहे लाइट वाली गन है जो आपकी राइफल है, जो भी पीछे ना तेजी से आएगी ना वही तेजी से हर्ट करेगी, आप ये मत समझो कि जो भारी है वही हर्ट करेगी, अगर भारी अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, अगर भारी वाली जो है मतलब हैवी राइफल अगर तेजी से पीछे आएगी उसकी रिकॉइल वेलोसिटी हैवी राइफल की अगर फास्ट होगी तो वो हमें चोट करेगी, अदरवाइज अगर लाइट राइफल जो है हल्की राइफल अगर वो हाई रिकॉइल वेलोसिटी से पीछे आएगी तो लाइट वाली राइफल आपको ज्यादा तेज शोल्डर पे कंधे पे हर्ट करेगी, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको हमने क्लास में पढ़ाया था कि जब गन से बुलेट शूट किया जाता है राइफल से तो एक फॉर्मूला आता है मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन। अब कुछ बच्चों ने हमें तो नहीं पता तो आओ मैं फटाफट तुमको करके दिखा देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो नहीं, यहाँ कोई टक्कर नहीं हो रही, मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, यही बात होगी कि नहीं बताइए फटाफट। देखिए मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है। अब देखिए बात समझिए,
तो मैं ना यहाँ लाइट राइफल के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं हैवी राइफल के लिए भी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन एक जनरल राइफल के लिए एक फॉर्मूला पहले ड्राइव करके ये आपको दिखा देता हूँ, फिर उसी को उठा के एक बार लाइट राइफल के लिए लगा दूंगा, एक बार हैवी राइफल के लिए, ठीक है। तो देखिए मोमेंटम बिफोर फायरिंग, आइए जरा एक काम करते हैं, आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, ये बंदूक है, बंदूक में देखिए बुलेट ये पड़ी हुई है, ठीक है, और ये ट्रिगर है इसका, ऐसे कुछ ये राइफल है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करें तो मास ऑफ राइफल को अगर मैंने किससे दिखा दिया है, मास ऑफ राइफल को अगर मैंने एमजी से दिखा दिया, मतलब मास ऑफ गन, और बुलेट के मास को मैंने एमबी से दिखा दिया है, एम और छोटा सा बी लिख दो नीचे, एमबी क्या बोलो मास ऑफ द बुलेट, एमजी क्या बोलो मास ऑफ द राइफल या मास ऑफ द गन, बात समझ में आएगी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कितनी बॉडीज है बताइए, दो बॉडीज है, तो दोनों बॉडीज का मोमेंटम हमको ऐड करना पड़ेगा बिफोर फायरिंग। तो मुझे ये बताइए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती कि नहीं होती, मास इनटू वेलोसिटी होती मोमेंटम, ठीक है। तो यहां पे देखो जरा, मोमेंटम बिफोर फायरिंग, पहले किसका मोमेंटम लिखेंगे, गन का प्लस बुलेट का, ध्यान दीजिए मोमेंटम ऑफ गन। अच्छा मोमेंटम ऑफ गन कैसे निकलेगा, मोमेंटम कैसे निकलता है, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक। तो ध्यान से करिए मोमेंटम बिफोर फायरिंग में मास ऑफ गन को हमने एम और जी, हम तो आप सभी ये m into g नहीं है वेट वाला, कुछ बच्चे सोचेंगे हमको g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं भाई नीचे g लिखा हुआ है, मतलब मास ऑफ गन, ठीक है, into, अब मुझे आप देख के बताओ, गन तो बेचारी रुकी हुई है, अभी तो चली नहीं रही, अभी तो हमने फायर ही नहीं किया, हिली डुली कहीं नहीं, उसमें तो बुलेट पड़ा हुआ है, चुपचाप बैठी हुई है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, ये तो रेस्ट पे जीरो है, यानी कि अगर हम मोमेंटम निकालेंगे किसका, गन का, तो मोमेंटम का फॉर्मूला फटाफट सब बच्चे, p = m into v होता है, मास into वेलोसिटी, तो मास into इसकी वेलोसिटी जीरो रखिए, ये किसका मोमेंटम आ गया बोलो, गन का, अरे बुलेट का भी तो निकाल लो, प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट कैसे निकलेगा, मास ऑफ बुलेट into वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट कितना है बोलिए mb, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी कितना है जीरो, भी तो सिस्टम रुका हुआ है पूरा, मैं चाहता तो यहाँ पे सीधे मोमेंटम बिफोर फायरिंग जीरो लिख देता, पर मैंने आपको करके दिखाया किस तरीके से आएगा। अब उधर आ जाइए, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, आइए जरा हम आपको दिखाते हैं कि होता क्या है। सपोज अब फायरिंग हो गई, ये गोली निकल गई, यहाँ कहीं जा रही है, आपने इसका निरीक्षण किया, इसको एनालिसिस किया, और आपको पता चला कि मास ऑफ द बुलेट कितना है mb। अब कुछ बच्चे बोलेंगे तो बारूद तो उसका जल गया, अरे वो सब छोड़ो, आप सब चीजों को इग्नोर करो, लेट अस अज्यूम कि अभी भी कुछ बोलेंगे छर्रे निकल गए उसके बाहर, अब तो उसका मास कम हो गया होगा, नहीं 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 नहीं, अभी भी उसका मास हम कितना अज्यूम करके चल रहे हैं एमबी। हालांकि ऐसा हो जाता है कि मास का कुछ इधर उधर कुछ चला जाएगा, वो सब बंदूक की मैकेनिज्म है, वहां भी हम नहीं जा रहे, वो सब आप क्लास 11 में पढ़ोगे। तो मास ऑफ बुलेट कितना बताइए एमबी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हमने वीबी से दिखा दिया, माना कि ये बहुत ही तेज वेलोसिटी से ऐसे आगे जा रही होगी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है वीबी है, करेक्ट। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन लॉ लगेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बंदूक ने क्या किया, ये जो राइफल है इसने बुलेट पे जब फोर्स लगाया होगा, तो भाई बुलेट ने भी इस पे एक फोर्स लगाया होगा पीछे की दिशा में, तो बुलेट में भी वेलोसिटी आएगी, और ये झटका मारेगी पीछे की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं पीछे मूव करेगी, शोल्डर पे चोट करेगी, और इसकी जो वेलोसिटी होती है गन की, उसी को हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस रिकॉइल वेलोसिटी को हमने सपोज ये कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रही, वीजी से। तो अब मुझे बताइए मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कैसे निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ गन कैसे निकलेगा, mg / m into mass into what velocity, mg into vg, ओके, इज प्लस मास ऑफ बुलेट into वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्योंकि मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट into वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये आ गया। अब ध्यान से चेक करिए, ये पोर्शन 0 0 0 + 0 क्या होता है 0, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, mg MgVg और प्लस MbVb। आप क्या निकालने में इंटरेस्टेड हैं, आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आपको Vg की वैल्यू निकालनी है, गन कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रही है, तो एक काम करो MbVb को इधर भेज दो, तो साइन कैसा आ जाएगा इसका बताओ, माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, अरे यहाँ पॉजिटिव है यार, इधर ले आओ नेगेटिव हो जाएगा, तो MbVb इज इक्वल्स टू व्हाट MgVg, करेक्ट। नाउ डिवाइडिंग बाय mg बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय mg बोथ साइड, mg से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, mg से हमने राइट में, तो मास ऑफ द गन, मास ऑफ द गन से कट गया, और इस तरीके से बच्चों जो vg आया, यानी कि जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी आई गन की, वो कितनी आ गई, मास ऑफ बुलेट, ध्यान दे जरा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट और डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन, ठीक। और आगे क्या आ गया, माइनस, माइनस साइन शोज दैट
कि हाँ डायरेक्शन ओनली, तो माइनस आप ना लगाइए, यहाँ लगाओ चाहे ना लगाओ बात से, माइनस ओनली शोज व्हाट, कि बुलेट उधर जा रही तो गन उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही, वेलोसिटी ऑफ गन क्या है जस्ट ऑपोजिट टू द, ध्यान से चेक करो, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मास ऑफ बुलेट भी स्केलर है, मास ऑफ गन भी स्केलर है, कौन वेक्टर है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट वेक्टर है, तो बुलेट जिधर जा रही है उसके जस्ट ऑपोजिट में करने के लिए किसको, गन को हमने यहाँ माइनस लगा दिया, हटा दिया, तो आप समझ लीजिएगा। देखिए यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था, ये जो आया आपके पास, यहाँ से मैंने काटा नहीं था इसको, तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, चेक करो, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, और यही जो वीजी आया है बच्चों, यही क्या है, यही क्या है, बोलिए, रिक्वायर वेलोसिटी, कोई डाउट है बताइए, नो सर, हां कोई डाउट है, नो सर, तो ये फॉर्मूला हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अब जिसका वीजी ज्यादा होगा, जिसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी ज्यादा होगी, वही तो शोल्डर पे ज्यादा चोट करेगी। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, एक बार जो लाइटर राइफल है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, और एक बार जो हैवी राइफल है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो लाइटर, मैं आंसर आपको पहले बता दे रहा हूँ, लाइटर जो होगी राइफल वो तेज हिट करेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं, देखिए पहले कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, बोलिए, फॉर लाइटर राइफल, ठीक है, करते हैं। तो लाइटर राइफल के लिए जो रिक्वायर वेलोसिटी होगी, इट इज गिवन बाय, ध्यान से चेक करिए, मास ऑफ द बुलेट, ठीक, तो मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय, ध्यान दें, मास ऑफ द गन, मतलब राइफल, मास ऑफ द, अब ध्यान दीजिए, मास ऑफ द, अब हम यहां क्या लिख रहे हैं, एल आई जी एच टी पी आर, लाइटर, लाइटर गन या लाइटर राइफल, ऐसे लिख दिया तो कोई समस्या आपको, बताइए। अब यहां पर हम आपको सेकंड केस किसका दिखा रहे हैं, फॉर हैवी, फॉर हैवी व्हाट, हैवी राइफल, ठीक है, तो हैवी राइफल के लिए जरा आप देखिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी, अरे यार वेलोसिटी ऑफ गन कौन सी वाली, लाइटर, जी एच टी पी आर, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन कौन सी वाली, गन हैवी, तो एच ई ए बी वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा भाई फॉर्मूला तो मैं यहीं से उठाऊंगा ना, क्या मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ द गन आएगा बच्चों, लेकिन किसका, हाँ मास ऑफ द हैवी गन, ऐसे लिख दे तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हैवी गन। अब एक चीज देखिए जरा ध्यान से, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इधर देखो जरा, हमने बोला कि भाई यहाँ भी एट है और यहाँ भी एट है, अब यहाँ नीचे टू आ रहा है, यहाँ फोर, बताओ किसका आंसर ज्यादा आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर ज्यादा आएगा कि सेकेंड वाले का, फर्स्ट वाले का आंसर ज्यादा आएगा ना, बताया था मैंने आपको, न्यूमरेटर अगर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका ओवरऑल आंसर क्या था बड़ा, चेक करो, 2 अंदर 2 4 आएगा इसका आंसर, और इसका 2 आएगा, 4 इज ग्रेटर देन व्हाट 2, जिसका मतलब 8 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन व्हाट 8 बाय 4, ये बात आपको समझ में आती है। अब आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, चाहे आपके पास लाइटर वाली हल्की राइफल हो और चाहे आपके पास हैवी, दोनों इक्वेशंस को देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है कि नहीं, बताओ, दोनों के न्यूमरेटर में क्या है, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यहाँ पे मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे मास ऑफ द बुलेट कैसे सेम है, अरे भाई आइडेंटिकल बुलेट थी ना, तो निकलने के बाद पहली गन से और दूसरी गन से उसका मास तो बुलेट का एमवी ही रहेगा, चेंज नहीं, अब वेलोसिटी, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए, कह रहे सर जब लाइटर गन से बुलेट निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी शायद धीरे होगी, और हैवी से जब निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी शायद तेज होगी, फास्ट, जी नहीं, नोट लगाया था मैंने, क्या आफ्टर फायरिंग वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बुलेट विल बी सेम, क्यों सेम फोर्स लगाया था, ठीक है, अरे पतला लड़का हो मोटा हो क्या हुआ, फोर्स लगाने की क्षमता तो क्या है, सेम है, तो हल्की राइफल थी और चाहे हैवी राइफल थी, ठीक है, दोनों का फोर्स लगाने की जो क्षमता थी वो सेम थी, आपने क्वेश्चन में पढ़ा, उन्होंने बोला क्या कि दोनों से, दोनों बुलेट में जब भर के उसको मारा जाता है, बुलेट को स्ट्राइक किया जाता है गन के द्वारा, तो फोर्स सेम लगता है, और यदि फोर्स सेम होगा तो निकलने के बाद दोनों, क्योंकि दोनों बुलेट के मास तो सेम थे, तो सेम मास पे जब तुम सेम फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी तो दोनों को सेम मिलेगी, ठीक, ये बात समझ गई, इसका मतलब VB इज इक्वल टू व्हाट, VB, तो अगर MB MB के इक्वल है VB VB के, तो दोनों का प्रोडक्ट भी आपस में क्या होगा, इक्वल, तो दोनों के न्यूमरेटर इक्वल हो गए, यानी कि ये हो गया कांस्टेंट, इसको छोड़ो, तो वेलोसिटी ऑफ गन अब किस पे डिपेंड कर रही है, केवल मास ऑफ गन पे,
देखा yes, sir, yes, तो ये जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है मतलब जितने से वो पीछे जाएगी ये किस पे डिपेंड कर रही है मास ऑफ गन पे या मास ऑफ राइफल पे तो इन्वर्सली रिलेशन है तो जब जिसका मास कम होगा उसका आंसर कैसा आएगा बड़ा अरे इन्वर्सली ये छोटा होगा तो ये बड़ा और ये अगर बड़ा तो ये छोटा अब चेक करो बताओ कौन सा रिकॉइल वेलोसिटी किसका हाई होगा बताओ लाइटर का रिकॉइल वेलोसिटी हायर होगा ज्यादा होगा क्यों ज्यादा होगा क्योंकि लाइटर गन का मास कम है भैया इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका आंसर कैसा आएगा बड़ा और इसका डिनोमिनेटर हैवी गन है हैवी मास तो पक्का इस गन का क्या होगा ज्यादा होगा तो इसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी ये वाली ये कैसी आएगी कम अब मुझे बताओ कौन सी गन का रिकॉइल वेलोसिटी ज्यादा आया लाइटर का तो कौन सी गन बहुत ही तेज फास्टर पीछे जाएगी लाइटर वाली मतलब फास्टर पीछे जाएगी तो कंधे पे तेज चोट करेगी तो कौन सी गन तेजी से हिट करेगी लाइटर तो लाइटर गन या राइफल विल हर्ट किस लैंग्वेज में क्वेश्चन था वैसे ही हम इसका आंसर कर देते हैं क्या था Which rifle will hurt the shoulder more? तो जवाब is what? Lighter rifle will hurt the shoulder more. आप खुद लिख लीजिए. Lighter rifle will hurt the shoulder more. And why पूछा है उन्होंने? तो भैया इतना समझा तो दिया. According to अब देखिए अब बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन मेरा 2 मार्कर आ जाए तो मैं क्या करूँ? क्या मैं सब लिख के दिखाऊँ? आप सिंपल लिख दीजिए according to what? According to law of conservation of momentum. फटाफट ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा है ना और उसके बाद फटाफट ये इक्वेशन लिखिए और एक ये इक्वेशन लिखिए यहां से आप क्या निकाल लो vg की वैल्यू निकाल लो ना तो mg के नीचे चला जाएगा यहां पर तो रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी गन की तो एक बार लाइटर गन ले लिखिए एक बार आपको फॉर्मूला थोड़ा ना प्रूफ करना है तो आपको रिवाइज करा रहा था बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए कोई डाउट है हाँ तो यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ये मिली कि यदि हम गन बनाएंगे बाजार में बेचने के लिए तो गन बताइए भारी बनाए कि हल्की बनाए भारी बनाएंगे। आप देखते हो ना गन उठाते हैं आपने कभी उठाया भी होगा शादी वादी में गए होगे तो गन वगैरह जो यूपी के लोग हैं ठीक है गन मन कहते रहो भैया हमको भी दिखा दो थोड़ा चला ले ठीक है तो वो गन काफी भारी होती है अगर आपने कभी उठाई हो तो अगर वो चाहते तो लाइटर भी बना सकते थे ऐसे मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है कि वो स्ट्रेंथ तो अच्छी दे दे लेकिन हल्के हो जाए लेकिन यदि हल्के हो जाएंगे तो जैसे ही गोली चलाई जाएगी तो पता लगा चार गोली लगाई चार बार चार लोगों को मारना है चार गोली लगाई चार बार झटके लगेंगे हालत तुम्हारी तुम ही थक जाओगे बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी तुम्हारी ठीक है तो इसलिए भारी गन हम लोग बनाएंगे तो इस न्यूमेरिकल को कराने का यही उद्देश्य था कर लीजिए देखिए स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को आप एग्जाम में डायरेक्ट भी समझा सकते थे पता है कैसे फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक है अब मैं यहां से एक काम कर रहा हूं मैं यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहा हूं जरा क्या आ जाएगी एफ अपॉन एम अरे एम इधर मल्टीप्लाई में एफ के नीचे चला जाएगा अब ध्यान से चेक करिए बच्चों कि अभी उन्होंने क्या बोला था कि दोनों गन वो क्या करती हैं वो बुलेट पे सेम फोर्स लगाती हैं तो जब बुलेट पे फोर्स लगाया गया है तो बुलेट हो गई दूसरी बॉडी राइफल हो गई पहली बॉडी जब बुलेट पे जितना फोर्स लगा है तो बुलेट भी उतना ही फोर्स किस पे इंपार्ट करेंगी गन पे तो दोनों गन को बताइए कितना फोर्स मिलेगा सेम मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा तो जवाब है सेम मिलेगा क्यों क्योंकि दोनों बुलेट्स पे सेम फोर्स लगाया था तो दोनों बुलेट भी दोनों गन पे सेम फोर्स लगाया भाई क्वेश्चन पढ़ा था आपने क्या कि हाँ बुलेट्स पे सेम फोर्स लगाया जाता है दोनों गन के द्वारा तो सपोज पहली गन ने 5 न्यूटन लगाया बुलेट पे तो बुलेट भी बुलेट के 5 न्यूटन लगाएगी हल्की वाली राइफल पे और हैवी राइफल ने भी बुलेट पे 5 न्यूटन लगाया था तो बुलेट भी पलट कर रिएक्शन फोर्स देगी किसको हैवी राइफल को कितने का 5 न्यूटन यानी कि दोनों ही राइफल कितना फोर्स महसूस करती है बताइए 5 न्यूटन कौन से डायरेक्शन में पीछे अब सुनो दोनों गन 5 न्यूटन से पीछे जा रही है यानी कि फोर्स क्या हो गया यहाँ कांस्टेंट हो गया चेक करो दोनों राइफल के लिए फोर्स क्या हो गया कांस्टेंट तो फोर्स को मत देखो दोनों राइफल के लिए फोर्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट एक इस पे डिपेंड करेगा मास पे एक्सेलरेशन किस में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है गन में भैया चेक करो गन पहले रुकी थी अब पीछे जा रही है तो रुकी थी तो उसकी दोनों गन की वेलोसिटी जीरो थी अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो पीछे की दिशा में इंक्रीज कर रही है यानी कि गन पीछे की दिशा में एक्सेलरेट कर रही है तो सुनो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट मास जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ज्यादा तो जो लाइटर मास वाली राइफल है उसका मास कम होगा तो वो ज्यादा एक्सेलरेट होगी ज्यादा एक्सेलरेट होने का क्या मतलब होता है एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम
भाई चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम फास्ट किस में होगा, यानी कि एक्सीलरेशन बहुत तेजी से किस में पैदा होगा, लाइटर वाली गन में, तो बस उसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से पास, भाई एक्सीलरेशन बढ़ने का क्या मतलब है, वेलोसिटी में तेजी से चेंज आना, तो वेलोसिटी उसकी तेजी से चेंज हो गया पीछे की तरफ, तो बहुत फास्टर पीछे जाएगी और तेजी से चोट करेगी, तो ये इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन है। तो एग्जाम में आप चाहे एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यानी कि न्यूटन के सेकेंड लॉ का ये रिजल्ट था, याद है ना, सेकंड लॉ एफ इज व्हाट अप्लाइड फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इज इक्वल्स टू एम ए हमने निकाला था, तो उसका ये रिजल्ट था, तो फ्रॉम आप एग्जाम में सिंपली लिख सकते हो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लाइटर राइफल विल हर्ट more to our shoulders.